गाइस हम लोगों ने गोकू के साथ 1998 तक सर्वाइव किया था। उसके बाद गोकू हार्ट की बीमारी की वजह से मर गया था। लेकिन गोकू के मरने की 5 साल बाद धरती पर एक काफी खतरनाक वाला फाइटर आता है जिसको सिर्फ गोकू ही हर सकता है। इसलिए मिशन कम है, गोकू को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते क्या गोकू जिंदा होता है या फिर नहीं। मिशन कम तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। ओके गोकू की बॉडी के साथ कुछ तो हो रहा है, शायद मिशन कम ने गोकू को जिंदा कर दिया है, पता नहीं चल रहा। ऑल राइट अपन तो फिर से जिंदा हो गए, लेकिन ये क्या, अपन तो बिल्कुल बच्चे बन गए। ये मिशन कामे को क्या हुआ है, इनकी हालत तो बहुत ही खराब लग रहा है। गोकू मेरे अंदर जितना भी जीवन था मैंने सब तेरे अंदर डाल दिया है, अब मैं कुछ ही देर में ही मरने वाला हूँ। लेकिन गोकू तुझे किसी भी हालत में इस धरती की रक्षा करना है। सच में मिशन कामे तो मर गए अपन को जिंदा कर। खैर कोई बात नहीं, अपन जिंदा हुए तो इस वाली लाइफ का अपन रोशनी होने देंगे। लेकिन अभी अपन बिल्कुल बच्चे हैं, क्या अपने पास तारे के सारे पावर्स हैं? और मुझे ये नहीं पता चल रहा अपन को धरती को किससे रक्षा करना है। ओके चलो पिकोलो से अपन पूछ लेते हैं। पिकोलो मुझे सब कुछ बता, क्यों मुझे फिर से जिंदा किया है? गोकू बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, जीरन फिर से आ चुका है। ये क्या जीरन फिर से आ गया? लेकिन अपन ने पहले जीरन को हराया था। अरे हाँ तूने हरा तो दिया था, लेकिन तूने ये भी बोला था उसको पावरफुल होकर आने के लिए, और अभी वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके साथ गोहन फाइट करने गया था लेकिन उसने गोहन को एक झटके में हरा दिया है, इसलिए हम लोगों ने तुझे जिंदा किया है, अब तू ही उसको हरा सकता है। मैंने जब जीरन को हरा था मेरी बॉडी काफी बड़ा था और अपन भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अभी तो अपन एक बच्चे हैं, क्या मेरे पास उतनी पावर है? यही चीज तो मैं इधर टेस्ट करूंगा, अब तू मेरे साथ फाइट कर। ओके पिकोलो ठीक है, जीरन से फाइट करने से पहले अपन को पिकोलो से फाइट करना ही होगा। कम ऑन गोकू मुझे मारने की कोशिश कर, देखते तेरे अंदर वैसे ही पावर है कि नहीं। ऑल राइट ठीक है, पिकोलो खुद ही चाहता है मैं इसको मारूं, तो फिर ये ले तू झटका। ऑल राइट अपन पिकोलो को क्या ही जोर से मारा है, इसका मतलब अपने पास वैसा ही पावर है शायद। अरे भाई ये क्या, पिकोलो तो उठ के आके आए और तो अभी मेरे ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर रहा है, मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा। क्या मैं उड़ सकता हूँ अभी? ऑल राइट अभी मैं उड़ तो सकता हूँ, लेकिन ये पिकोलो है कहाँ पर? अरे मेरे पीछे आ गया। अपन जब मर गए थे पिकोलो तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया है, क्या मैं पिकोलो को मार नहीं सकता? ये तो मेरे को बहुत ज्यादा मार रहा है। कम ऑन ये तो मेरे को इतना ज्यादा मार रहा है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, और इसने मेरे ये वाले अटैक भी सीख लिया है। और भाई साहब क्या ही अटैक किया अपने ऊपर, इसने तो अपनी बाट लगा दिया है। खैर कोई बात नहीं, चलो अपन को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे क्योंकि ये क्या हो गया, तेरी तो सारी पावर बहुत ही ज्यादा घट चुका है, ऐसे तो जीरन को कभी नहीं हरा सकता। फिर भी एक और बार टेस्ट कर लेते हैं, तू तेरी सबसे पावरफुल अटैक को मेरे ऊपर ट्राई कर। हाँ ये बात तो सच है, मेरी पावर काफी ज्यादा घट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पिकोलो खुद ही चाहता है मैं उसके ऊपर कम है मैं ट्राई करूँ। ठीक है पिकोलो तू तैयार हो जा अपनी सबसे पावरफुल अटैक के लिए। ये ले तू। ये क्या था, मेरी अटैक तो इसके आर पर चला गया लेकिन इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्या सच में अपन इतना ज्यादा कमजोर हो गए? अरे हाँ गोकू तू बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है, ऐसे तो जीरन को कैसे हराएगा? अरे हाँ सच में ऐसी हालत में मैं जीरन को हरा ही नहीं सकता, मुझे काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन क्या जीरन इतनी देर वेट करेगा? अरे गोकू तू उसकी टेंशन मत ले, मैं इसको एंटी टाइम चेंबर में घुसा दूंगा जहाँ पर बाहर 200 साल हो जाएगा, लेकिन एंटी टाइम चेंबर के अंदर बस 2 ही घंटा होगा। गोकू मैं जीरन को एंटी टाइम चेंबर में डालने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तू मास्टर रोशी को ढूंढ कर अपनी ट्रेनिंग पूरा कर। ऑल राइट पिकोलो तो उड़ के चला गया, चलो अभी अपन भी चलते हैं और जल्दी जल्दी मास्टर रोशी को ढूंढते हैं, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग की काफी सख्त जरूरत है। अपन ने मास्टर रोशी को चारों तरफ ढूंढने की कोशिश किया है, लेकिन मास्टर रोशी अपन को कहीं पर भी नहीं मिला। खैर मास्टर रोशी हमेशा पानी के पास रहता है, चलो अपन एक और बार बीच के साइड और इस फेरी फेयर को चेक कर लेते हैं, शायद मास्टर रोशी इधर हो सकते हैं। ओके एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा मास्टर रोशी। मास्टर रोशी इधर क्या कर रहा है? ओके ये तो बायोंगुलर से कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, चलो अपन पहुंच के इनके पास। मास्टर रोशी मुझे आपकी ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। अरे गोकू तू जिंदा कैसे हो गया? मास्टर रोशी मिस्टर कामी ने मेरे को जिंदा किया है, क्योंकि जीरन फिर से आ गया है और उसको मुझे हराना होगा। अच्छा ये बात है, लेकिन गोकू मैं अभी काफी बूढ़ा हो चुका हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन फिर भी मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा, मेरे पास काफी सारे तरीका है। ओके गोकू तू ट्रेनिंग लेना चाहता है? ये मेरे हाथ में लेके वाली बॉल, इस बॉल को मैं पानी में फेंक रहा हूँ, अब तू उसको ढूंढ के लाएगा, यही है तेरी आज की ट्रेनिंग। ये मास्टर उसे पागल है क्या, एक बॉल को पानी में फेंक दिया है और मुझे इसको ढूंढना होगा? गोकू मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तू जल्दी जा। ओके ठीक है मास्टर उसी अपन चल रहे हैं। वैसे मास्टर उसी की टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अरे भाई इधर की पानी तो बहुत ही ज्यादा गहरा है, पता नहीं मास्टर उसी ने वाली बॉल को कहाँ पर फेंका है। चलो इतने सारे चट्टानों के बीच अपन को ढूंढना पड़ेगा, और इधर तो काफी सारे समुद्री घास की जंगल हो रखा है, पता नहीं वो बॉल कहाँ पर घुस गया है। खैर गाइस उस वाली बॉल को जल्दी जल्दी ढूंढने के लिए आप लोगों की लाइक की जरूरत है,
तो जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। अपन और भी ऑसम वाली जीटीए की वीडियोस लाएंगे। इधर के समुद्र तो और भी ज्यादा गहरा है, क्या वाली बॉल इस गहरे खाई में घुस गया है? चलो अपन थोड़ा सा नीचे चल के देख लेते हैं। लेकिन एक सेकंड रुक जाओ, मैं तैयार कर रहा हूँ। मेरे पास इतना पावर है कि मैं पानी के अंदर चल सकता हूँ। मैं पहले से अगर ऐसे चलता तो फिर अपन जल्दी से जल्दी उस वाली बॉल को ढूंढ लेते। इधर तो वैसे ही बॉल के जैसे दिखने वाला पेड़ भी है, पता नहीं ये कैसा पेड़ है, बिल्कुल पिंक कलर के। खैर कोई बात नहीं, चलो देखते हो बॉल है कहाँ पर। अरे यार पता नहीं वो बॉल कहाँ पर घुस गया है। एक सेकंड रुक जाओ, ये रास्ता तो वाले बॉल, अभी बस मुझे इस बॉल को लेके जाना है। अरे भाई ये क्या था? अरे मैं बस बॉल को लेने ही वाला था, लेकिन ये सार्क कहाँ से आ गया है? क्या मास्टर रोशन की यही ट्रेनिंग है? अरे यार मास्टर रोशन को पता था इधर सार्क है, इसीलिए उन्होंने बॉल को इधर फेंका है। मास्टर रोशन से अपन को और भी पावरफुल बनाना चाहता है, इसीलिए अपन को पानी के अंदर ट्रेनिंग दे रहा है। अरे बहुत हो गया सार के बच्चे, अब तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। चलो अपन यूज करते हैं कायोकेन मोड को। ऑल राइट, अभी अपन फाइनली कायोकेन बन गए इसके मुंह के अंदर। बहुत हो गया तुम लोगों की। अरे तू कम ऑन, अरे मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा? एक सेकंड रुक जाओ, क्या मैं की ब्लास्ट कर सकता हूँ? इसलिए तू, अरे भाई सार को अपने क्या ही उड़ाया है, लेकिन पीछे देखो सर आ चुका है। तू बोले अब तो उनकी खैर नहीं, अपने पास ये वाली पावर भी आ चुका है। अपन पानी के अंदर क्या ट्रेनिंग कर रहे, इसीलिए साथ मास्टर ने अपन को पानी के अंदर भेजा है ताकि अपन सार्क से फाइट कर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। अभी चलो अपन उस वाली बॉल को ले लेते हैं। इधर ही कहीं पर था वो वाला बॉल? अरे कहाँ पर था? ओके ये रहा वो वाली बॉल। चलो अपने बॉल को पकड़ लिया है, अभी चलते हैं पानी से बाहर। ऑल राइट, मुझे पहले अपनी पावर को पानी के अंदर यूज करना चाहिए था। मास्टर ये रहा आपका बॉल, मैं इसको लेके आ गया। गोको तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन ये तो तेरी बस ट्रेनिंग की शुरुआत है। गाइस अपने 45 इयर्स मास्टर रोशन के पास ट्रेनिंग लिया है और अभी अपन नॉर्मल जैसे बन गए। लेकिन अभी मैं इधर आ चुका हूँ शहर से बाहर पहाड़ों के ऊपर मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि मुझे अभी मेरी ब्लू वाली फॉर्म को अनलॉक करना है और ब्लू वाली फॉर्म के लिए अपन को अंदर की शांति चाहिए, इसलिए अपन शहर से बाहर आ चुके हैं और इधर आकर मेडिटेट कर रहे हैं अपन। लेकिन ये क्या, मुझे इधर किसी के ओरा महसूस हो रहा है, लेकिन इधर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे बंदा है कौन? खैर कोई बात नहीं, अपन डिस्ट्रैक्ट ना होकर मेडिटेट करते हैं। अरे सच में अभी अभी कोई चीज़ मेरे सामने से बहुत ही से भाग के गया है, मुझे लग ही रहा था इधर कोई ना कोई है। कौन है इधर, बाहर आ जा। ऑल राइट, ये कैसा बंदा है? लोग मुझे हीट के नाम से जानता है, क्योंकि मैं मेरे टारगेट को हमेशा हीट करता हूँ। हीट, ये कैसा नाम है? तो तू ही है मसर गोकू। खैर आज मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है तुझे मारने का, क्योंकि दूसरी दुनिया की फाइटर चाहते हैं तो इधर ही मर जाए, नहीं तो उनके जो फाइटर्स है वो हार जाएंगे। तू मुझे मारना चाहता है? बहुत हो गया तेरा, तू बहुत ज्यादा बकवास करता है। अरे भाई क्या कहा पर, ये मेरे पीछे कैसे आ गया? अरे फिर से मेरे पीछे चला गया, ये बंदा है क्या चीज? मैं तो उसको सही से देख भी नहीं पा रहा, ये तो इधर से उधर चला जा रहा है। अरे इसने मुझे क्या ही मारा है, मैं इसको कैसे हरा हूँ, इतना ज्यादा पावरफुल है ये। अरे गोकू के बच्चे क्या हो गया तुझे, लोग तो तुझे बड़े ही पावरफुल बोलते थे लेकिन तू मुझे देख भी नहीं पा रहा, बेवकूफ कहीं का, आज तू मरेगा। अरे यार तुम्हें मेरे बेइज्जती कर रहा है, बहुत हो गया तेरा, ये देख मेरी पावर। अभी अपन सुपर सन 3 में आ चुके हैं, अभी तो मेरे सामने मूव करके दिखा। हिट फिर से अपने सामने भाग रहा है, लेकिन इस बार अपन इसको देख पा रहे, ये तो टाइम को स्लो करके भाग रहा है। अरे तो हिट के बच्चे, ऑल राइट सुपर सन 3 में अपन काफी ज्यादा पावरफुल है। अबे हिट के बच्चे तेरा बहुत हो गया, ले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं इसको मार रहा था लेकिन इसने मुझे घूम के मार दिया है, कम ऑन। अरे ये क्या ही मार रहा है, इसको हराने के लिए मुझे सुपर सन ब्लू हम चाहिए, नहीं तो मैं इसको हरा ही नहीं सकता। अरे छोड़ दे यार, पता नहीं कहां से ऐसा सीन आ गया मेरे को मारने के लिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन ब्लू फॉर्म आजा। ऑल राइट फाइनली अपन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके, अब इसकी खैर नहीं। ए ले तो हिट के बच्चे, अरे इसने क्या अटैक कर दिया है? अरे क्या कहां पर, कम ऑन आजा। ऑल राइट इसको मैंने क्या ही मारा है, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एले। अरे क्या कहां पर, मैं तो देख भी नहीं पा रहा। ऑल राइट इसको डायरेक्ट जो कमे हुए लगाए, मेरे को लगा इसको हिट नहीं किया लेकिन आपने हिट को हिट कर दिया है और इसकी खेल खत्म हो चुका है। इधर गाइस अभी अपनी एज हो चुका है 205 साल और अभी अपन काफी ज्यादा पावरफुल बन गए। अभी तो मैंने अल्ट्रेंशिंग वाले मूव भी सीख लिया है। और एक सेकंड रुक जाओ, किसी का कॉल आ रहा है, ये तो पिकलो है। गोकू क्या तू तैयार है? जीरन अभी एंटी टाइम कैप्सूल से बाहर आ चुका है, वो अभी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर अभी हम लोग उससे तेरे साथ फाइट नहीं करवाया तो फिर वो पूरी धरती को तबाह कर देगा। लेकिन भेजीटा गोहन बाकी लोग थे, उनसे फाइट कराओ तब तक मैं पहुंचता हूँ उधर। अरे नहीं वो सब तुझसे ही फाइट करेगा। ओके ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ अभी। मुझे लगा जीरन और कभी नहीं आएगा, अपन ने पहले भी उसको हरा दिया था,
पता नहीं वो क्यों फिर से आ गया है। खैर कोई बात नहीं, शायद वो बदला लेना चाहता है। चलो अपन चलते हैं उसके पास। और मुझे वाली फाइटिंग चैम्बर दिख गया है, चलो अपन चलते हैं अंदर। ऑल राइट, हम लोग आ गए। कम ऑन डैड, अब कर सकते हो, अब जिरन को हराना फिर से। अपन फाइनली आ चुके जिरन के सामने, और ऊपर तो मास्टर उसी और बाकी सारे लोग आ चुके हैं अपनी फाइट को देखने के लिए। ये जिरन तो हमेशा मेडिटेट करते रहता है, पता नहीं मेडिटेट करने से इसको कैसे पावर मिलता है। गोकू, तू फाइनली आ चुका है, मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ा। ओके, इसको लग रहा है इसने 2 घंटा वेट किया है, लेकिन अपन बाहर 100 साल जी लिए। खैर कोई बात नहीं, चलो इससे फाइट तो करना ही होगा। ऑल राइट, अपन ने मेरी ऑलरेडी इंस्टिंक्ट वाली मूड को एक्टिवेट कर लिया है। जिरन ने पहले अटैक स्टार्ट किया है, अब मेरी बारी है। एले तू, इसको मैंने क्या ही मारा है। एले, अरे भाई इसने मुझे फिर भी क्या ही मारा है। इसने तो उस वाले चेंबर से मुझे बाहर फेंक दिया है। अरे भाई इसका ऐसी की तैसी, ये इतना ज्यादा पावरफुल है क्या। अरे यार इसने क्या ही मारा है मुझे। अरे जिरन के बच्चे छोड़ दे तू, अब मैं क्या करूं। अभी मुझे और भी ज्यादा पावर अप करना होगा इसको हराने के लिए। ऑल राइट, अपने आल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल को भी पास कर दिया है, और जिरन भी पीछे आ चुका है, मुझे मार रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी अपन काफी ज्यादा पावरफुल बन गए। आल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाद भी अपन पावरफुल बन सकते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बहुत हो गया तेरे, ले तू मेरे की ब्लास्ट। अभी अपने की ब्लास्ट इतना पावरफुल हो चुका है, इससे अपन जिरन को मार रहे हैं। और भाई ये भी मुझे की ब्लास्ट से मार रहा है, इस बार अपन उसको मार के दम लेंगे। कम ऑन एले, एले तू और मारेगा मुझे, अपने साथ पंगा ले रहा है। अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल को भी पास कर दिया है, तब भी मेरे को मार रहा था। ऑल राइट, फाइनली सर अपन इसको हरा दिया है। ये रहा जिरन का बॉडी, इसका मतलब अपने सच में इसको हरा दिया है। तो खैर गाइस, आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। अपन और भी ऑसम वाली GTA 5 की वीडियोस लाएंगे। एंड गाइस, आप लोग कमेंट में जरूर लिखो गोकू की कौन सी फॉर्म आप लोगों को सबसे अच्छा लगा। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।